हिमाचल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें ये रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप से यहाँ निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। तो किसी से घृणा है ना किसी से प्रेम है, मैं ना तो किसी पर दया करता हूं ना ही किसी को कष्ट देता हूं। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, मेरे लिए तो सब समान है। मैं सभी के लिए एक रूप एक प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर शिवजी नारद पर क्रोधित होते हैं, इस कारण को लेकर कि ब्रह्मा और विष्णु के महान होने के विवाद को समाप्त क्यों नहीं किया गया। इंद्र शचि देवगुरु विष्णु ब्रह्मा सभी का आवाहन कर शिव सभी को प्रताड़ित करते हैं। उधर ब्रह्मलोक में सरस्वती व वैकुंठ लोक में लक्ष्मी चिंतित है। सरस्वती लक्ष्मी के पास आती है और दोनों में ब्रह्मा विष्णु की महानता को लेकर विवाद होने लगता है। शिव दोनों को कैलाश पर बुलाकर प्रताड़ित करते हैं। विवाद के दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? वैकुंठ में मेरे प्रवेश करते ही आपके सुंदर होंठों पर सुंदर मुस्कुराहट भी प्रवेश किया करती है, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। कारण? नारद, तुम तो जानते ही हो कि हमने अपनी भूल का प्रायश्चित करके तब आराधना करके भगवान शिव से वरदान तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई। नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना जानता हूँ श्रीहरि कि आपके भंडार में हल अधिक है और समस्याएं कम, तो फिर आप पूरी बात सुना करो नारद। कहे प्रभु, अब भगवान भोलेनाथ के अचानक कैलाश से अंतर्धान होने से माता पार्वती हम सभी से रुष्ट है, श्री गणेश और कार्तिकेय भी रुष्ट है। अब उनके रोष को कैसे शांत किया जाए, हम यही विचार कर रहे हैं। स्वामी प्रभु, आप तुरंत कैलाश पहुंच जाएं, अविलंब, अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध रौद्र रूप धारण करेगा और अनर्थ हो जाएगा। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, ऐसे समय में तुम्हें भी अपने प्रभु के साथ ही होना चाहिए। प्रभु हम देवी पार्वती की पुत्रता और गणेश व कार्तिकेय का रोष अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं देवी, परंतु हम स्वयं नहीं जानते कि भवनाथ का रूप धारण करने के लिए भगवान शिव कहाँ दृश्य हुए हैं। ऐसे में हम देवी पार्वती को क्या उत्तर देंगे? हम तो स्वयं दुविधा में। तो फिर क्या किया जाए? यद्यपि पार्वती हमारी सखी है, किंतु इससे पूर्व हमने कभी ऐसे उग्र रूप में नहीं देखा। पति के प्रति चिंता व आशंका पत्नी को उग्र बना देती है। उस उग्रता को शांत करने के लिए आप तुरंत ही कैलाश पर पहुंचे स्वामी,
अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। वातावरण ही दुर्भाग्यपूर्ण, आतंकित और भयावह है। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भवनाथ रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है, इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहां विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। अब क्रोधित ना हो माता, शांत हो जाए माता। पिता श्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें जगदम्बे। आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। माता आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव? हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहाँ भी हो अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। पिता देवाधिदेव, महादेव कहाँ हैं आप? जगत के कण कण में व्याप्त हैं आप, फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे। आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण। तो आप भी मेरी ही भांति भगवान भोलेनाथ को खोज रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है नारद, भगवान शिव को ढूंढने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब हम उन तक अवश्य ही पहुंच सकेंगे। किंतु परमपिता, हमें भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने वाले मार्ग का ज्ञान नहीं है। नारद, जो महादेव निर्धन को वैभव दे सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो मार्ग के अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग भी अवश्य देंगे। श्री हरि का कहना उचित ही है नारद। जिन भगवान शिव ने प्रश्न और शंकाओं को जन्म दिया है, वे ही समाधान और उत्तर प्रकट करेंगे।
उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है नारद। परमपिता, लगता है हम रेवताचल गिरी पर्वत के अंचल में आ गए हैं। हाँ देवर्षि, ऐसा आभास होता है कि पिता देवाधिदेव महादेव आसपास ही कहीं विराजमान हैं। अब हमें रेवताचल पर उतरकर महादेव को ढूंढना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, ये तो हम रेवताचल की तलहटी तक आ पहुंचे। लगता है हम अपने लक्ष्य तक आ पहुंचे हैं। आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें, वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं, फिर भी है प्रभु आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। गिरनार पर्वत की तलहटी का यह पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप से यहां निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान है। समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव निर्धन को दे वैभव। ओ इन भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव,
करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर। के पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया, गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर। पुस्तक के पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। संयम है इनसे जब तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे, यम नियम संयम है इनसे जब तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे, शंका है समाधान यही है प्रश्न यही है उत्तर, शंका है समाधान यही है प्रश्न यही है उत्तर। पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे है जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर।
कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहाँ माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। शिव पार्वती की जय। देवी अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो ऋषिगण एवं भक्तगण इस सत्य को आप जान ले कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। संदेह इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि भगवान शिव के दर्शनों से जन जन का कल्याण होता है। इसीलिए तो भगवान शिव के महात्म्य के अनुसार ऋषि एवं भक्तगण देवर्षि नारद के प्रति कृतज्ञ भाव से भर गए और फिर देवर्षि नारद सदा की भांति तीनों लोकों की स्थिति का अवलोकन करने हेतु विचरण करने निकल गए, जहां एक दिवस अचानक ही उनकी भेंट अपने पुराने मित्र पर्वत मुनि से हो गई। नारायण नारायण। मित्र नारद। मित्र पर्वत। जय जय ब्रह्मदेव। अरे चोटी का क्या हुआ? तुम ही बताओ मित्र, अधिक समय तक चोटी पर कौन रह सकता है? नारायण नारायण, जिसका उद्देश्य पवित्र हो वो चोटी पर अवश्य रह सकता है, किंतु मैं तुम्हारे चोटी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने ये बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र, जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र। क्या? कि मैंने तुम्हारा ही रूप भेष मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत, अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित उत्सुक और व्याकुल हूँ। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे।
किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहाँ का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूँ इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूँ। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। दिया था, परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण, स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता, किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूँ कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यही ठहर जाओ, मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ? समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं, फिर भी तुम मेरा हाथ थाम कर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहाँ? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो ये है कि अब करें क्या। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो, उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो, तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण, ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं, किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोले, हमारे सम्मुख देखे। परमपिता, परमपिता, कृपया आप आंखें खोले। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं, और ऐसे में माता सरस्वती कहाँ गई? देवी पार्वती, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं, बार बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंद होने से सृष्टि निर्वाण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव, जागृत हो जाए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव।
भोलेनाथ। प्रणाम सर्वेश्वर, आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहाँ आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र का समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सकोगे। किंतु परमपिता, मैं अपने सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभकामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है, इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं ये तो समय ही बताएगा। No, no, no.